हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार अपडेट दे रहे हैं। प्रमोद शर्मा हेराल्ड हाउस के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, कितनी देर से लगभग ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है? देखिए, पिछले काफ़ी वक्त से जो है ईडी की कार्रवाई चल रही है और इस मामले में बोल सकते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ये फाइनल एक्शन है। जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जून और जुलाई में लगातार पूछताछ की गई है, 5 बार राहुल गांधी से पूछताछ की गई है, 3 बार सोनिया गांधी से पूछताछ की गई है और उनके स्टेटमेंट को जब एग्जामिन किया गया है तो उसमें कुछ मिसिंग जो लिंक थे, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जिनको तलाश में जो ईडी ने ये कार्रवाई की है, कई जगहों पे सर्च किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में जब प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाए तो ये साबित किया जा सके कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, यानी प्रोसीडर क्राइम किया गया है। तो उनकी तलाश में, उन दस्तावेजों की तलाश में जो है हेराल्ड हाउस में भी ईडी की टीम आई थी और इसी में काफ़ी देर रुकने के बाद कुछ दस्तावेजों को ईडी के अधिकारी ले गए थे और उसके बाद भी अभी भी कुछ लोग जो है ईडी के अधिकारी जो है हेराल्ड हाउस के अंदर ही मौजूद है। तो लगातार कई जगहों पे छापेमारी की जा रही है और उन दस्तावेजों को तलाश किया जा रहा है जिससे कि जो स्टेटमेंट जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने या बाकी लोगों ने दिए थे उनके खिलाफ जो है जब अपनी चार्जशीट में उनको जोड़ा जा सके और ताकि ये साबित किया जा सके कि नेशनल हेराल्ड में जब AGL बनाई गई थी तो किस तरीके से शेल कंपनी के द्वारा जो है मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, 50 लाख का जो पैसा दिया गया था और इस मामले में जो सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी है और पॉलिसी से लेकर जो है जो फैसले लिए गए थे वो किसने लिए गए थे, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपने बयानों में ज़्यादातर बातें जो है मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के ऊपर डाल दी थी क्योंकि दोनों ही अभी दुनिया में नहीं है। तो अब उन कड़ियों को जोड़ने के लिए ईडी लगातार जो है छापेमारी कर रही है और उन दस्तावेजों को जुटाने की कोशिश कर रही है ताकि उसे अपनी जो है चार्जशीट का हिस्सा बना सके और इस मामले में कोर्ट में मजबूती से रख सके। ठीक है, बहुत अहम बात आपने कही है कि इस मामले में कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जितेंद्र, क्या यह माना जाए कि यह जो पूरा मामला है जो लंबे समय से चल रहा है अब कहीं ना कहीं अगले लेवल की ओर जा रहा है, चार्जशीट अब जल्द से जल्द दाखिल करने की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जिस तरह से ईडी ने आज छापेमारी की है, जो नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग है, ITO पे जो बिल्डिंग है वो AGL का मेन दफ्तर भी है, जिसको कह सकते हैं कि AGL जो कि पेरेंट कंपनी है वो नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी एकता नाम से जो 3 अखबार चलाया करती थी, तो AGL की ये प्रॉपर्टी है जिसके पास ये नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग है। बाकी जो फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर जो है इस बिल्डिंग का, वो किराए पर दिया गया है, लेकिन फोर्थ फ्लोर है वहाँ पर अभी भी AGL का दफ्तर है, जहाँ से इस पूरे जो जहाँ पर बैठके भी हुई थी इससे पहले, जहां से ट्रांजिशन पीरियड भी हुआ था, तो उसी को लेकर के ईडी आज पूछताछ करने के लिए और वहां पर जो ऑफिस है AGL का वहां पर सर्चेस करने के लिए गई थी ताकि वहां से जो अहम सबूत हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में हो या जिस तरह से इस प्रॉपर्टीज को लीज आउट किया गया, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये भी AGL ने को लैंड एंड जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसने इस बात को लेकर के लीज भी दिया था ताकि यहां से जो पब्लिकेशन का काम है वो किया जा सके। लेकिन जिस तरह से यहां पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, ये जो 3 फ्लोर्स हैं उसको AGL ने, यानी कि नेशनल हेराल्ड की जो पेरेंट कंपनी है, उसने पिछले काफ़ी समय से अखबार का या पब्लिकेशन का काम बंद करके इसको किराए पर दे दिया था और यहीं से रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से गलत तरीके से जो यंग इंडिया कंपनी को AGL का मालिकाना हक दे दिया गया था, उसके बाद से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी कि जो बिल्डिंग किराए पर दे दी गई है उसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आखिर किसके पास आ रहा है? इससे पहले सोनिया गांधी से पूछताछ हो चुकी है, राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है, मल्लिका अर्जुन खड़गे से पूछताछ हो चुकी है, पवन बंसल से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन जो आगे की जो कार्रवाई है, यानी कि जिसको कहते हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग, वहां से जाकर के सबूत इकट्ठा करना, इसी वजह से आज ईडी दिल्ली के अंदर 12 जगहों पर छापेमारी कर रही है। जो भी व्यक्ति इस केस से जुड़ा हुआ है उन सब ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है, एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है, ताकि अभी तक की जो पूछताछ हुई है, अभी तक जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो जुटाए गए थे, उन दस्तावेजों के आधार पर जो पूछताछ की गई थी, उसके बाद आगे जो मिसमैच है उसको आगे कलेक्ट किया जाए, उस जो अभी तक बयान दर्ज किए गए हैं और उसके बाद जो छापेमारी के बाद जो आगे सबूत जुटाए जाते हैं उन सबको मिलाया जाएगा और आगे की जो तहकीकात है वो की जाएगी। तो ये मान सकते हैं चंदन कि अगर हम कहें कि छापेमारी के बाद जो केस है वो
चार्जशीट की तरफ बढ़ रहा है तो ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस छापेमारी के बाद जो सबूत मिलेंगे ईडी को उसके बाद फिर एक राउंड की और क्वेश्चन के लिए, यानी कि फिर से जो सवाल जवाब के लिए पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। प्रमोद, क्या हलचल दिख रही है वहां पर हेराल्ड हाउस के बाहर? आपने बताया था कि अंदर और अभी अधिकारी ईडी के हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है हेराल्ड हाउस है, आईटीओ पे का ये हेराल्ड हाउस है, एजीएल का दफ्तर भी इसी में था और इसी के फोर्थ फ्लोर पे जो है बताया जा रहा है कि ईडी के कुछ अधिकारी हैं। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि कुछ अधिकारी जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ से चले गए हैं और उसके बाद भी जो है वो अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स की तलाश की जा रही है और अंदर जो स्टाफ है, हालांकि ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर और भी दफ्तर हैं जो कि किराए पर दिए हुए हैं वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसकी ज़रूरत है उसी को जाने दिया जा रहा है। फिलहाल जो है यहाँ पर जो अंदर ईडी के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं। इसके अलावा कई जैसे ठिकाने हैं जहाँ पर एजीएल से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ठिकानों पर ईडी ने सर्च की है और कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी तक की जो पूछताछ हुई है सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल या इसके इससे जुड़े हुए तमाम लोगों थे, तो उसमें जो भी चीज़ें मिसिंग थी या फिर जो डॉक्यूमेंट ईडी को चाहिए थे उसकी तलाश में जो है आज ईडी ने जो है सर्च अलग अलग ठिकानों पर करी है और इसके बाद अब ईडी को डॉक्यूमेंट्स में क्या मिलता है ये जब सर्च पूरी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जानकारी मिल पाएगी। लेकिन ये एक तरीके से कह सकते हैं, दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड का ये पूरा विवाद है क्या, जिसको लेकर के ईडी की ये कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का कर्ज दिया था। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई गई जिसमें 38% सोनिया गांधी और 38% राहुल गांधी की हिस्सेदारी, यानी 76% राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास। यंग इंडिया ने एजीएल को 50 लाख रुपए दिए। एजीएल की संपत्ति करीब 2000 करोड़ रुपए की। यंग इंडिया पर एजीएल की संपत्ति कब्जाने का आरोप लग रहा है और इसी मामले को लेकर के यह पूरा विवाद चल रहा है। इसी मामले की जांच को लेकर के और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है और लिखा है, मैं और कांग्रेस आगे भी लड़ेंगे। तानाशाह के फरमान से दबाने की कोशिश, ना हम डरेंगे और ना डराने देंगे। राहुल गांधी जो कि इससे पहले 5 राउंड उनसे पूछताछ हो चुकी है, उसके बाद सोनिया गांधी से भी 3 राउंड की पूछताछ हो चुकी है, अब उन्होंने छापेमारी की इस कार्रवाई पर एक पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, मैं और कांग्रेस आगे भी लड़ेंगे। तानाशाह के फरमान से दबाने की कोशिश, ना हम डरेंगे और ना डराने देंगे। तो एक ओर ईडी की कार्रवाई चल रही है और दूसरी ओर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर के प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है इस पूरे मामले को लेकर के प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। वो जरूर बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये जो पूरा मामला है ये बीजेपी सरकार की तरफ से उनके ऊपर दायर किया गया, लेकिन असल में इस मामले की जो हकीकत है वो ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर एक अपील दायर की थी, जिसको लेकर के जो कांग्रेस पार्टी है, जो आरोपी हैं, जो 6 आरोपी बनाए गए थे नामजद और 7वीं जो आरोपी थी वो यंग इंडिया कंपनी थी, वो बकायदा इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई जरूरी है और जो लोअर कोर्ट है यानी कि पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो। उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने माना था कि जो शुरुआती जांच के अंदर जो सबूत सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दिए गए हैं कोर्ट के अंदर वो कहीं ना कहीं सही पाए जाते हैं और यही वजह है कि केस को एडमिट किया गया था और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और बाकी जो 4 आरोपी थे उनको जमानत पर रिहा किया गया था। तो अगर आप इसे कहते हैं कि ये सरकार की तरफ से हो रहा है तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंप्लेंट थी जिसमें बताया गया था कि किस तरह से गलत तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पहले नेशनल हेराल्ड अखबार यानी कि एजेएल के जो अखबार थे, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी एकता, उस अखबार को चलाने के लिए गलत तरीके से पैसे दिए। उसके बाद 2010 के अंदर जो यंग इंडियन कंपनी बनाई उसने किस तरह से गलत तरीके से 90 करोड़ रुपए का लोन माफ किया और पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एजेएल की। तो ठीक है, ईडी भले ही अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है, अदालत के निर्देश पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर लड़ने की तैयारी कर रही है और राहुल गांधी का ये जो बयान आया है, ये जो फेसबुक पोस्ट आई है, ये इस बात को साबित करती है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, इस पर हम आपको आगे भी अपडेट लगातार देते रहेंगे।